हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब रोजगार अड्डा। भारत का सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल में आप सभी इंजीनियरों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो एक और वैकेंसी निकल के आई हुई है, जो भी स्टूडेंट मतलब कि डिप्लोमा डिग्री पास है वो लोग के लिए वैकेंसी निकल, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग पास है ठीक ना, सिविल से बीटेक के एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए RITS की ओर से वैकेंसी निकल के आई है ठीक ना। RITS क्या है आपको पता ही है, रेलवे का ही एक अंग है ठीक है। तो यहाँ से एक वैकेंसी निकल के आई है और यहाँ से जो वैकेंसी निकल के आई है टोटल सीट आप लोग का 20 है ठीक ना। मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा, एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सब चीज़, इसका अप्लाई नोटिफिकेशन नहीं, हर चीज़ मैं अवेलेबल कर दूँगा आपको ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हर चीज़ अवेलेबल कर दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो वैकेंसी निकल के आई है, इससे पहले वैकेंसी आई थी 10 पोस्ट वैकेंसी आई थी ठीक ना, अब फिर आई है 20 पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को सब चीज़ बताने वाला हूँ, बस आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो वॉच करना ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब करना कभी भूल कभी मत भूलना ठीक ना, एकदम सब्सक्राइब कर रखो। जेन्युइन चैनल है, बिहार से बिलोंग करता है चैनल ठीक ना, कोई चीज़ यहाँ पे फेक नहीं बताया जाता, हर चीज़ जेन्युइन तरीके से बताया जाता है, समझाया जाता है आप लोगों को। अब चलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग से ट्रेनिंग GET के माध्यम से आप लोग का जो ये नॉर्मल फ्रेशर नॉट फॉर एलिजिबल है, यहाँ पे नॉर्मल वैकेंसी नहीं निकली है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो गेट पास किए हैं 2023 वाला, वही बंदा इसमें एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए ठीक ना। RITS में अच्छा खासा सैलरी मिलेगा यार, मतलब कि साल में आप 13.5 मतलब कि 13.5 लाख रुपये आप कमा सकते हैं ठीक ना। सिटी से आप लोग का यही रहने वाला है, मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा। देखो RITS LTD मिनी रत्ना कंपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फुल अंडरटेकिंग है ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो वैकेंसी निकल के आई है। देखिए यहाँ पे आप लोग का जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 130/23 ठीक ना, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग से आप लोग का सिविल में निकला हुआ है ठीक ना। यहाँ पे आप लोग कैटेगरी वाइज देख लेना कि 12 सीट आप लोग का UR में है, EW के लिए नहीं है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए नहीं है ठीक ना। आप देखिए इंपॉर्टेंस यहाँ पर नोटिस एक तो लिखा गया है यहाँ पे आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंस एप्लीकेशंस हैव आल्सो बीन इनवाइटेड बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फिलिंग ऑफ 10 वैकेंसी ऑफ GET ठीक ना। यहाँ पे जो आप लोग का एडवर्टाइजमेंट नंबर था 70/23 था ठीक ना, ऑन द वेबसाइट ऑफ GAT ठीक ना, GAT गेट स्कोर 2023 देर 20 वैकेंसी आर इन द एडिशनल टू द वैकेंसी ऑलरेडी पब्लिश्ड बाई द VC नंबर, मतलब आप लोग का 17/23 इट क्लैरिफाइड दैट देयर एडिशनल 20 वैकेंसी विल बी द क्लोबेड विथ ऑलरेडी एडवर्टाइज एंड ए कॉमन सेक्रेंटी विल बी डन। मतलब क्या कहने का मतलब कि जो इससे पहले जो 10 वैकेंसी आउट हुई थी और ये 20 ठीक ना, ये दोनों को जोड़ दिया गया है। तो हो सकता क्या यहाँ पर होने वाला आप लोग का कि आप लोग का जो भी है यहाँ पे जैसे कि गेट स्कोर जो पास किए हैं आप लोग 2023 वाला ठीक ना, तो आप लोग का मेन यही रहने वाला है, आप लोग का सेशन प्रोसेस इसी से होने वाला। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, आप लोग का 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का ऐड होने वाला। देखिए इसमें कि आप लोग का 75% वेटेज आप लोग का देखिए रहेगा, आप लोग का जो आप लोग का स्कोर होगा जैसे कि जो गेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें आप लोग का जो स्कोर होगा उसमें आप लोग का 75% का वेटेज वहाँ से ऐड किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू का ठीक ना, कम्युनिकेशन स्किल इंटरव्यू जो आप लोग का लिया जाएगा वो ऐड होगा, दोनों मिलाकर आप लोग का 100 पूरेगा। उसके इसी पे आप लोग का कट ऑफ मतलब जारी किया जाएगा ठीक ना, कट ऑफ होगा, उसके बाद इसी में आप लोग का सब चीज़ होने वाला है, मेन आप लोग का यही रहने वाला ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो जब आप सिलेक्शन यहाँ पे आप ले लीजिएगा तो उसके बाद से आप लोग का 2 महीना का आप लोग का ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि आप लोग का ट्रेनिंग रहेगा ठीक ना। उसके बाद से आप लोग का सैलरी आप लोग का 40,000 से लेकर 1,40,000 बीच में आप लोग का रहेगा ठीक ना, हो जाएगा। मतलब कि आप लोग का स्टार्टिंग सैलरी आप लोग का 55-60 के बीच में मिलेगा यार ओके। तो उसके बाद से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग का सिटी से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 13.60 आप लोग का रहने वाला ठीक है। उसके बाद सर्विस बाउंड आप लोग को भराया जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख लेना ओके। यहाँ पर 50,000 OBC वाले NCL वाले के लिए, और जो भी कैंडिडेट यहाँ से जैसे कि जनरल से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर लिया जाए भराया जाएगा ठीक है। यहाँ पे आप लोग का जनरल OBC जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो 600 रुपये आप लोग को देना होगा अप्लीकेशन फ़ी, और EWS ST PWD है तो 300 रुपये आप लोग को देना होगा ओके। यहाँ पे जो भी फॉर्म निकला हुआ है तो आप लोग को यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना, ऑनलाइन ही फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा भी गया है ठीक ना, अप्लीकेशन फॉर्मेट सेल्फ अटेस्ट यहाँ पे ये सब चीज़ कॉपी करके या स्पीड पोस्ट से आप लोग को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, सब जो भी काम होगा सब ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा ओके। यहाँ पे सब साफ लिखा गया, आप लोग इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग ओके।